ये जो रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं ना ये रेसिपी आप सबके बहुत ही ज्यादा दिल के करीब होने वाली है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली रेसिपी जो लोग अपना घर पे होम फूड का वर्क कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप लोग अपने मेन्यू में इस तरह से ये वाली बिरयानी ऐड कर लेते ना तो ट्रस्ट मी आपके जो कस्टमर्स की लेवल है ना वो हाई पर जाने वाला है लाइक like आपके अगर 10 कस्टमर्स हैं तो वो 100 बनने वाले हैं इतनी परफेक्ट टेस्ट टेस्ट होगा इसका आपकी बिरयानी के कस्टमर्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे ठीक है चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज जो बिरयानी हम बना रहे हैं वो परफेक्ट स्टाइल की बिरयानी होने वाली है यानी कि चिकन को जो है वो हम ग्रेवी के साथ अलहदा से कुक करेंगे ठीक है राइस को सेपरेटली कुक करेंगे स्पेशल जो है वो हम लेयरिंग के लिए बिरिस्ता रेडी करेंगे बिरिस्ता फ्राइड uh, अनियंस को कहा जाता है और परफेक्टली लेयरिंग करेंगे ठीक है फिर ये बिरयानी रेडी होगी और बहुत ही डिलिशियस रेसिपी होने वाली है ये बिरयानी का टेस्ट अरोमा चावल सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट होंगी ठीक है मैं हूँ शफीकी और अपने YouTube चैनल रेसिपीज ब शफफीके पे आप सबको वेलकम करती हूँ रेसिपी को देख लेते हैं बिस्मिल्लम असल सबसे पहले जो है हम यहाँ पर फ्राई प्याज रेडी करेंगे ठीक है जिसे बरिस्ता भी कहा जाता है बरिस्ता रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर चाहिए आधा किलो प्याज प्याज को हम छील कर हाफ में कट कर लेंगे इस तरह से ये देखें हाफ में हम प्याज को छील कर कट कर लेंगे ये जो कटिंग वाला स्टेप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट बिरिस्ता रेडी करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको अनियंस की कटिंग परफेक्टली करनी है देखें मैं जिस एंगल में काट रही हूँ ना अनियंस को आपने इसी तरह से कट करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों ने अनियंस को कट करते हुए थिकनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कहीं कोई आपका लेयर मोटी और कोई पतली इस तरह से ना हो खाना बनाते हुए इमोशंस के साथ खाना बनाया करें दिल लगा कर खाना बनाया करें कोई भी चीज़ आप लोग बना रहे हैं परफेक्ट बनती है और इन छोटे छोटे स्टेप्स का ख्याल रख लिया करें सारे जो अनियंस हैं उनकी मैंने देखें लेयर्स अलग करनी है उस तरह से कटिंग करके आप लोगों ने सारा मेथड जो है वो वीडियो में देख रहे हैं कटिंग करके लेयर्स को अलग कर लिए देखें इस तरह अलग अलग जो आपकी लेयर है वो होनी चाहिए अगर आप ज़्यादा पतली कर देंगे तो वो पतली वाली जल्दी जल जा जाएंगी और मोटी वाली जो लेयर्स होंगी वो आपकी अभी सॉगी सी होंगी और उस तरह से बिरिस्ता आपका परफेक्ट रेडी नहीं होगा फ्राइड अनियन सबको ही बनाने आते होंगे लेकिन जो हम बिरयानी के लिए बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं सबसे पहले जो है वो हम एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेंगे मीडियम गर्म आपने ऑयल को करना है बहुत ज्यादा तेज गर्म आपका नहीं होना चाहिए ठीक है इस पॉइंट का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है आपने हाई फ्लेम पे अनियंस को फ्राई नहीं करना अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो वो जल्दी उनका कलर डार्क हो जाएगा हमें यहाँ पर अनियन के मॉइस्चर को प्याजों में जो है वो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को हम लोगों ने रिलीज करना है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका कलर हमें कलर कैसा चाहिए अनियंस का हमें चाहिए कॉफी कलर अब ये ना हो कि आप लोग कहें कॉफी तो ब्लैक भी होती है तो आप ब्लैक कलर कर दें नहीं कैपाचीनो कलर आप लोगों को चाहिए ठीक हो गया बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट लगते हैं परफेक्ट कलर जो है वो आ जाता है बस इतना ही हमें चाहिए अब देखिए यहाँ पर एक डिश में मैंने बटर पेपर बिछा लिया और उसके ऊपर जो है वो मैं अपने फ्राइड निकाल रही हूं। ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो उसी के अंदर टिश्यू पेपर भी अगर आप लोग बिछाएंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑयल सॉक कर लेगा ठीक हो गया अब यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत हमारी अनियंस का कलर आया अब हम इसको साइड पर कर लेंगे और अब हम अपना रेडी करेंगे चिकन मसाले वाला ठीक है उसके लिए जो मैंने जिसमें अनियन फ्राई किए थे ना वही वाला ऑयल मैंने यूज किया है उससे टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा आएगा आप लोग इसी तरह से कीजिएगा उस ऑयल को वेस्ट या किसी और चीज में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अब देखिये मैंने उसी ऑयल में अपना चिकन रखा और इसको मैं एक से डेढ़ मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करूंगी सिर्फ इतना कि इसका कलर व्हाइट हो जाए ठीक है यहाँ पर अब जो मैंने चिकन लिया है ना बिरयानी बनाने के लिए ये मैंने लेग और थाई का लिया बोन वाले चिकन की ना हमेशा बिरयानी हो या पुलाव हो कुछ भी आप बना रहे हैं बोन वाला चिकन यूज किया करें लेग के साथ थाई वाले जो चिकन है ना इसके बड़े बड़े पीस यूज कर लिया करें अब हम मसाले ऐड करेंगे एक से डेढ़ मिनट लगा हमारा चिकन जो है वो व्हाइट हो गया मसाले ऐड कर देंगे यहाँ पर टू टेबल स्पून जो है लहसन अदरक का पेस्ट मैं ऐड करी हूँ और ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो मैंने हाफ कप पानी में आठ से दस हरी मिर्चों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और इसका पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून जो है वो हम इसमें काले मिर्च के दाने ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और टू टेबल स्पून हम इसमें नमक करेंगे। नमक जो है वो हम मजीद भी ऐड करेंगे पानी हम लोगों ने जो राइस करने हैं उसमें भी हम नमक बहुत ज्यादा ऐड करने वाले हैं तो हम लोग नमक जो है उसका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर कम लगे तो ठीक है अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पानी हाफ कप मैंने इमली ली और तकरीबन एक कप पानी में मैंने इसको सॉफ करके रख दिया एक घंटे के लिए तकरीबन और उसके बाद जो है वो पानी के साथ ही हम इसमें इमली ऐड कर देंगे अब हम यहाँ पर आलू ऐड कर रहे हैं आलू जो है वो मैंने एक चुटकी पानी के अंदर ना एक चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर की डाली और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करके उन्हें डिप करके रख दिया इतना खूबसूरत सा कलर आ गया आलू बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ के जी मैंने टमाटर लिए उनको स्लाइसेस में कट कर लिया और वो इस तरह से मैं उसकी भी लेयर लगा दूंगी दम में हमारे टमाटर जब गलेंगे तो उसकी ग्रेवी बहुत जबरदस्त बनेगी अगर आप लोग टमाटो पेस्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं तकरीबन तीन से चार मैंने लेमन लिए ले और उनके भी इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया उनको भी और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर ठीक है और बरिस्ता जो हम लोगों ने रेडी किया था फ्राइड अनियंस वो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन जो है वो ऐड करेंगे हम इसमें थ्री टू फोर टेबल सारा हम लोगों ने नहीं ऐड कर देना हमारा ये जो बिरिस्ता है ये लेयरिंग में जाएगा और ये बहुत कमाल का लगता है क्योंकि ये रेडी है बिल्कुल इसको कुक वगैरह मजीद करने की जरूरत नहीं है ठीक है बस थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि अनियंस हमने वैसे नहीं डाले और अब हम इसको कवर कर देंगे पांच से दस मिनट के लिए ठीक हो गया जब पांच से दस मिनट हो जाए इस तरह से लेमन और टमाटर जो हमने डालें ये सारी चीजें अपना पानी रिलीज करेंगे देखें हमने पानी तो ऐड किया ही नहीं था लेकिन कितना जबरदस्त जो है वो इमली का पानी और ये सब चीज़ों से जो है वो गल जाएगा हमारा चिकन और हमारे आलू ठीक है यहाँ पर बिरयानी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ जो रेडीमेड बिरयानी मसाला होता है पैकेट वाला वो ऐड कर रही हूँ तकरीबन एक टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया और पाँच से दस मिनट इसको दोबारा से मैंने कवर करके रख दिया और अब हम इसका अच्छा से यहाँ पर बनाव कर लेंगे चिकन हमारा रेडी हो जाएगा दूसरी साइड पे हम अपने राइस प्रिपेयर कर लेंगे सबसे पहले एक बड़े बर्तन में खुला पानी हम ले लेंगे यहां पर हम इसमें ऐड करेंगे टू टेबल स्पून नमक नमक जो है वो अपने टू टेबल स्पून या थ्री टेबल स्पून ही करना है ताकि हमारे जो चावल हैं उनमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए नमक का भी और बाकी भी जो हम मसाले ऐड करें उनका भी यहाँ पर हम दस जो है वो सबज इलायची ठीक हो गया और दो तेजपात ले रहे हैं तीन से चार जो है वो हम दालचीनी के टुकड़े ले रहे हैं सात से आठ हम यहाँ पर लौंग ऐड करें और वन टेबल स्पून जो है वो यहाँ पर हम जीरा ऐड करें काला जीरा आप लोगों ने नहीं लेना शाह जीरा लेना ठीक है थीके? चावल जो है वो मैंने सोक करके रखे हुए थे जब पानी को अच्छी तरह जोश आने लग जाए तो उसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे सात से आठ मिनट लगते हैं राइस को बॉयल होने में लेकिन आप लोगों ने राइस जो है वो 80 परसेंट तक कुक करना है क्योंकि चावल अपनी गर्मी में भी पकेगा ठीक है तो 80 परसेंट तक आपने कुक करके स्टेन कर लेना है और 10% अपनी गर्मी में चावल पक जाता है और बाकी का जो 10% है वो जब हम लेयरिंग करेंगे दम लगाएंगे उस टाइम पे बन जाएगा राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं ठीक है मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है चिकन वाला और हमारा यहाँ पर पतीला लेयरिंग के लिए भी रेडी पड़ा है ठीक है बिरयानी मसाला हम ले लेंगे तकरीबन थ्री टेबल स्पून और अब हम लेयरिंग स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले जो है वो हम पतीले में चिकन की लेयर लगाएंगे ठीक है यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो जो आप लोगों ने अनियंस जिसमें फ्राई किए थे वो वाला ऑयल अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा वो भी साथ कर सकते हैं चिकन की लेयर लगाएंगे साथ ही राइस की लेयर लगा देंगे ठीक है और उसके बाद हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऊपर डस्ट करेंगे और हम इसमें बिरिस्ता जो हम लोगों ने रेडी करके रखा हुआ है वो भी लेयरिंग में ऐड करते जाएंगे और चॉप किया हुआ हरा धनिया बहुत कमाल की हमारी बिरयानी बनने वाली है आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप लोग यकीन करें कि इतना सारा प्यार मुझे मेरी यूट्यूब के क्यूट से फैमिली की तरफ से मिल रहा है इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं इतने सारे लोग जो है वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी फैमिली बड़ी हो रही है मुझे बहुत सारी खुशी हो रही है आप लोगों की ये वाली जो प्यार मोहब्बत वाली सब्सक्रिप्शन होती है और ये जो आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं ना ये बहुत मोटिवेट करती है थैंक यू सो सो मच जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और आप लोगों का भी बहुत सारा थैंक्स जो देख रहे हैं वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा देखिए हमने राइस की लेयर लगाई चिकन की लेयर लगाई उसके बाद अब जो है वो फाइनल लेयरिंग की बारी है हमारी फाइनल लेयरिंग हम किस तरह से करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है वो चिकन डाल दिया ठीक है अब हमारी फाइनल लेयर की बारी है बिरिस्ता जो है हमारा जितना भी फ्राइड अनियंस बचे हुए वो हम डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टमाटो के स्लाइसेस देखें कितनी खूबसूरत लुक आएगी हमारी बिरयानी के टमाटो के स्लाइसेस हम इसके ऊपर लगा लेंगे और ऑरेंज फूड कलर को मैंने बिल्कुल हाफ टी स्पून ऑरेंज कलर लिया और उसको पानी में ऐड करके और इस तरीके से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अगर आप लोग लिक्विड कलर यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं फाइनल लेयरिंग में जो है वो मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ धनिया डाल दूंगी ठीक है लेमन के स्लाइसेस भी जो है वो मैंने कट कट के ऐड किए थे लेकिन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सके दस मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम देंगे ठीक है दम देने के बाद जब आप इसका दम खोलेंगे ना मतलब ढक्कन साइड पे करेंगे और जब खुशबू इतनी कमाल की आएगी रेसिपी जब आप लोग ट्राई करेंगे और आपकी बिल्कुल परफेक्ट बहुत जबरदस्त बिरयानी बनेगी तो आपके दिल से सिर्फ एक ही बात निकलेगी वाह एक एक वाह क्या रेसिपी दी है बहुत जबरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है इस रेसिपी को लाजमें ट्राई कीजिएगा मेरी क्यूट से वाइटी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं अगर आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया और चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत सारा थैंक्स अल्लाह हाफिज